शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है, और स्पेशली लड़कियों को तो शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है. एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल, तो शॉपिंग करना मुझे ही बहुत पसंद है, और आज से तो और भी ज्यादा पसंद होगा बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव दैट टाइम्स पीपल कम अप विद. इतने बेहतरीन इनाम देखने के बाद तो यू नो एवरीबॉडी वुड वांट टू शॉप ऑल द मोर. सबसे सस्ती तो बहुत सारी की है विच आई डोंट इवन रिमेम्बर. When I go to Goa, वहाँ पे जो street shopping होती है, you get clothes and skirts and stuff for like 50-50 rupees. So मैंने I think सबसे सस्ती वो है. और सबसे महंगी I would say yeah, I bought a diamond jewelry for myself. So fashion means to me all about being comfortable and confident whatever you're wearing. मुझे शूज जूतों का बहुत शौक है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे. जिस चीज का इतना शौक है वो खरीदने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे मेरा साइज जल्दी मिलता नहीं है. वेल आई वुड से 2011 वाज सुपर्ब एंड 2012 इज गोना बी इवन बेटर क्योंकि हाउसफुल 2 रिलीज होने वाली है. द तमिल मूवी दैट आई एम डूइंग इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ इज गोना बी रिलीजिंग दिस ईयर एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो लाइंड अप जो ये साल में पता चलेंगी. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. I feel great and I am very happy that finally somebody said that because till now I was only being compared to XYZ and you know, and I was really really struggling to make a mark of my own, and probably I am now on the right path to make my own individuality, which really gives me immense pleasure. To be very honest, I had no idols because I never wanted to become an actress. I've become an actress by destiny. So yeah, I really look up to a lot of people here. Everybody is a superstar. Everybody is so big in their own way. So I think I should look up to everybody and learn from everybody. पार्टनर टू के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि नथिंग इज बीन डिसाइडेड अबाउट इट एज ऑफ नाउ. अभी वो स्क्रिप्टिंग फेज में है तो उसके बारे में बात करना बहुत ही जल्दबाजी. हाउसफुल 2 इज गोना बी वन सुपर ग्रेट फन यू नो सुपर मूवी. जो आपने हाउसफुल देखी थी पार्ट 2 इज गोना बी इवन मोर हिलेरियस. तो आई वुड जस्ट से वेट एंड वॉच.